शिव पुराण। हिंदू धर्म में पुराणों को उच्च महत्व दिया गया है। पुराणों में भारतीय संस्कृति के आदर्शों, रीति रिवाजों और परंपराओं का विवरण होता है। ये आदर्श और परंपराएं समाज को एक संजीवनी और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। भारत समन्वय परिवार सनातन धर्म की अति महत्वपूर्ण धरोहर अर्थात हमारे पुराणों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे शिव पुराण के विषय में। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित शिव पुराण सभी पुराणों में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला पुराण है। इस पुराण में 8 खंड और 24,000 श्लोक हैं। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। भगवान शिव सदैव लोकोपकारी और हितकारी हैं। त्रिदेवों में इन्हें संहार का देवता माना गया है। जटाजूटधारी, गले में लिपटे नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर बागंभर, चिता की भस्म लगाए, हाथ में त्रिशूल, सारे विश्व को डमरू की कर्ण भेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसलिए उन्हें नटराज की संज्ञा भी दी गई है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का भेद होता है। शीश पर गंगा और चंद्र जीवन एवं कला के घोटक हैं। शरीर पर चिता की भस्म मृत्यु का प्रतीक है। यह जीवन गंगा की धारा की भांति चलते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिन्हें अशिव वेशधारी कहा है, वे जन सुलभ तथा आडंबर विहीन वेश को ही धारण करने वाले हैं। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही शिव का चरित्र वर्णन करने के लिए ही इस पुराण की रचना की गई है। इस पुराण में कलयुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिव भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। इस पुराण में 8 संहिताओं का उल्लेख है जो मोक्ष कारक हैं। विद्धेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता पूर्व भाग और वायु संहिता उत्तर भाग। विद्धेश्वर संहिता, इस संहिता में शिवरात्रि व्रत, पंचकृत्य, ओमकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। शिव की भस्म और रुद्राक्ष का महत्व भी बताया गया है। इस संहिता में उल्लेख है कि अर्जित धन से 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपयोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करना चाहिए। रुद्र संहिता, रुद्र संहिता में शिव का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें नारद मोह की कथा, सती का दक्ष यज्ञ में देह त्याग, पार्वती विवाह, कार्तिकेय और गणेश पुत्रों का जन्म, शंख चूर्ण से युद्ध और उनके संघार आदि की कथा का विस्तार से वर्णन है। इस संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत का आदि कारण शिव को माना गया है। शिव से ही आदि शक्ति माया का आविर्भाव होता है और शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। शतरुद्र संहिता, इस संहिता में शिव के लोक प्रसिद्ध अर्धनारेश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। यह स्वरूप सृष्टि विकास के लिए धरा गया था। इस संहिता में शिव की 8 मूर्तियां भी बताई गई हैं। इन मूर्तियों में भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज, सूर्य और चंद्र अधिष्ठित हैं। कोटिरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। ये ज्योतिर्लिंग क्रमशः सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओमकार में अमलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी में भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, दारुक वन में नागेश्वर और शिवालय में घुसमेश्वर। इस संहिता में भगवान विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्र नामों और शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का वर्णन है। उमा संहिता, इस संहिता में शिव के लिए तप, दान और ज्ञान का महत्व बताया गया है। अज्ञान के नाश से ही सिद्धि प्राप्त होती है और शिव पुराण का अध्ययन करने से ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। कैलाश संहिता, कैलाश संहिता में ओमकार के महत्व का वर्णन है। इसमें विधि पूर्वक शिवोपासना, नदी श्राद्ध और ब्रह्मज्ञादि की विवेचना की गई है। गायत्री मंत्र के जाप का महत्व भी बताया गया है। वायु संहिता, इस संहिता के पूर्व और उत्तर भाग में पशुपात विज्ञान, मोक्ष के लिए शिव ज्ञान की प्रधानता, हवन, योग और शिव ध्यान का महत्व बताया गया है। शिव के निर्गुण और सगुण रूप की विवेचना की गई है। जिस प्रकार अग्नि तत्व और जल तत्व को किसी रूप में रखकर लाया जाता है, उसी प्रकार शिव अपना कल्याणकारी स्वरूप साकार मूर्ति के रूप में प्रकट करके पीड़ित व्यक्ति के सम्मुख आते हैं।
शिव की महिमा का ज्ञान ही इस पुराण का प्रमुख विषय है। शिव पुराण हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता की आधारशिला के रूप में कार्यरत है, जो भक्तों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर प्रेरित और मार्गदर्शित करता रहता है। अन्य सभी वेद एवं पुराण की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।